फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर इस वीडियो में बोलने वाला हूँ कि आप कैसे विंडोज 11 का जो स्पॉटलाइट फीचर्स है वो फीचर्स को विंडोज 10 पे पा सकते हो। अगर आप विंडोज 10 को यूज कर रहे हो तो आप वहाँ पर नया नया बैकग्राउंड आप एवरीडे पा सकते हो, ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा। विंडोज 11 का जो लेटेस्ट है स्पॉटलाइट फीचर्स उसको पा सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या कुछ करना होगा, सारा कुछ मैं यहाँ पर इस वीडियो में देखने का कोशिश करता हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैं मेरा विंडोज 10 पीसी में आ गया। अभी मुझे क्या कुछ करना होगा विंडोज 10 का स्पॉटलाइट फीचर्स को ऑन करने के लिए। देखो यहाँ पर नॉर्मली मैं देखाता हूँ विंडोज 10 पे कोई स्पॉटलाइट फीचर्स नहीं है। देखो यहाँ पर मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ पर्सनल सेक्शन में जाके, उसके बाद यहाँ पर देखो यहाँ पर पिक्चर में यहाँ पर कोई स्पॉटलाइट फीचर्स नहीं है। यहाँ पर सिर्फ तीनों पिक्चर ऑप्शन है, यहाँ पर कोई स्पॉटलाइट करके नहीं है। यहाँ पर लॉक स्क्रीन में अगर जाता हो तो वहाँ पर आपको एक मिल जाएगा। देखो यहाँ पर लॉक स्क्रीन में यहाँ पर आपको पिक्चर, लॉक स्क्रीन में आपको स्पॉटलाइट पिक्चर मिल जाएगा, मगर यहाँ पर बैकग्राउंड सेक्शन में कुछ भी नहीं मिलेगा विंडोज 10 पे। तो इसके लिए ले आने के लिए आपको क्या कुछ करना होगा, देखो यहाँ पर मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। बैकग्राउंड सेक्शन में कुछ भी नहीं है, देखो यहाँ पर ये तीनों छोड़ के। इसके लिए देखो यहाँ पर पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में, विंडोज 10 का जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है वहाँ पर आपको जाना होगा। देखो यहाँ पर विंडोज 10 का माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में मैं चला गया। देखो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में चला गया, उसके बाद देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर सर्च ऑप्शन में, सर्च ऑप्शन में मुझे यहाँ पर लिखना होगा थीम TH। देखो यहाँ पर TH ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा थीम लिखने के बाद भी। देखो यहाँ पर थीम THEME थीम्स, यहाँ पर मैं थीम को क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या कुछ कैसे करके आता है। देखो यहाँ पर फास्ट जो आएगा, देखो यहाँ पर डायनेमिक थीम जो आएगा वही है विंडोज 10 का स्पॉटलाइट फीचर्स। देखो यहाँ पर पूरी तरह से फ्री है ये, और भी बहुत सारा कुछ है मगर डायनेमिक थीम जो है ये सबसे बढ़िया है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद देखो यहाँ पर ये ऐसे करके आ जाएगा। इसको यहाँ पर गेट ऑप्शन जो है, इस गेट ऑप्शन में आप क्लिक कर सकते हो। देखो यहाँ पर बहुत सारा थीम ऑटोमेटिकली विंडोज 11 पे जो है जैसे करके है स्पॉटलाइट फीचर्स उसी तरह से आप पा सकते हो। मैं यहाँ पर गेट ऑप्शन में क्लिक करता हूँ, उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर गेट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो एक डाउनलोड और इंस्टॉल ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कुछ टाइम लेगा। देखो यहाँ पर मैं वीडियो को फास्ट कर दिया, अभी चल रहा है ये, पहले डाउनलोडिंग हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली ज़्यादा बड़ा नहीं है 7 MB के आसपास। देखो यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया, इंस्टॉलिंग हो गया, कंप्लीट हो गया। अभी मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर दिखाता हूँ इसके बाद ये कैसे करके वो आता है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर ऐसा करके एक पेज ओपन हो गया। उसके साथ साथ यहाँ पर देख सकते हो ये कस्टमाइज बैकग्राउंड सिस्टम में मैं सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कर दो। उसके बाद देखो यहाँ पर विंडोज स्पॉटलाइट फीचर्स इसको ऑन करने के साथ साथ, देखो यहाँ पर इसको मैं ऑन कर देता हूँ, उसके साथ साथ देखो यहाँ पर कैसे करके पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर बैकग्राउंड जो है विंडोज 10 का पूरी तरह से चेंज हो गया इसको सिलेक्ट करने के बाद ही। देखो यहाँ पर पूरी तरह से विंडोज 11 का जो पास स्पॉटलाइट फीचर्स में जो नया बैकग्राउंड है उसी बैकग्राउंड आ गया। देखो विंडोज 10 पे वो और भी बहुत सारे को फीचर्स है। लॉक स्क्रीन में आप देख सकते हो, लॉक स्क्रीन में मैं एक पिक्चर को सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो यहाँ पर लॉक स्क्रीन ये अपडेट ऑटोमेटिकली 23 आवर्स में एक पिक्चर ऑटोमेटिकली नया पिक्चर आ जाएगा, कुछ भी करने का जरूरत नहीं, नया पिक्चर एवरीडे नया पिक्चर आ जाएगा। मैं लॉक स्क्रीन में एक पिक्चर को सेट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर लॉक स्क्रीन है, इसको मैं यहाँ पर सिस्टम में जाके कस्टमाइज जाके विंडोज स्पॉटलाइट फीचर जो है इसको ऑन कर लेता हूँ लॉक स्क्रीन में। देखो यहाँ पर हो गया, उसके बाद और भी बहुत सारे कुछ फीचर्स है इसको लॉक स्क्रीन में, और भी बहुत सारे कुछ फीचर पास ऑटोमेटिकली ये सारा कुछ हो जाएगा। और इसका रेजोल्यूशन मैं यहाँ पर स्क्रीन मेरा डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है उसी रेजोल्यूशन को मैं यहाँ पर रखता हूँ। मैं आप 4K भी रख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स है और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स का सारा कुछ सही है, और भी बहुत सारे कुछ फीचर्स है। आप इसको बैकग्राउंड डार्क एंड लाइट ये भी कर सकते हो, और भी मैं यहाँ पर बैकग्राउंड सेक्शन में जाके देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये विंडोज स्पॉटलाइट जो फीचर्स है विंडोज 10 पे आ गया। देखो यहाँ पर विंडोज 10 पे आ गया। मैं अभी यहाँ पर इसको क्रॉस कर देता हूँ पूरी तरह से। अभी इसको कैसे ओपन करना है मैं यहाँ पर देखने का कोशिश करता हूँ। इसको ओपन कैसे करना है, देखो यहाँ पर स्टार्ट ऑप्शन में चले जाओ। देखो स्टार्ट ऑप्शन में देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन डायनेमिक थीम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, डायनेमिक थीम। इसको क्लिक करने के साथ साथ ऐसे करके इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसको यहाँ पर से आप विंडोज स्पॉटलाइट फीचर्स को पा सकते हो। देखो यहाँ पर विंडोज स्पॉटलाइट विंडोज 10 पे मैं यहाँ पर विंडोज स्पॉटलाइट फीचर्स को ऑन कर दिया। देखो यहाँ पर और मैं यहाँ पर ये थीम को विंडोज का जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है वहाँ से डाउनलोड किया, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मैं यूज़ नहीं किया, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से एक थीम को डाउनलोड किया। सो फ्रेंड्स, ऐसे करके आप विंडोज 10 पे विंडोज 11 का जो लेटेस्ट विंडोज स्पॉटलाइट फीचर्स है उसको यूज़ कर सकते हो। सो चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द नया वाला वीडियो में। तो टुडे इज ओके, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।